हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोजाना कान साफ करने के नुकसान के बारे में। क्या ठीक नहीं है रोजाना कान साफ करना? क्या कान के बारे में कुछ बातें ध्यान रखना जरूरी है? इससे पहले इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कान को रोजाना साफ करने की आवश्यकता नहीं होती, यह स्वतः साफ हो जाते हैं। इसमें छेड़छाड़ करना समस्या को जन्म दे सकता है। बारिश के दिनों में नमी व उमस के चलते कान की बीमारियों में इजाफा हो जाता है। इस कारण जरूरी है कि हम इसकी उचित देखभाल करें व ऐसा कुछ ना करें जो कान में समस्याओं को पनपने में मदद करे। कई लोगों की प्रवृत्ति रोजाना कान को साफ करने की होती है। उनमें यह धारणा व्याप्त होती है कि कान को भी बॉडी के अन्य अंगों की तरह रोजाना साफ करना चाहिए। इसके लिए वो ईयरबड, पिन या तिल्ली का यूज़ करते हैं। कई लोग नहाते समय पानी के छींटे लगाते हैं। यह कई परेशानियां पैदा कर सकता है। कान साफ करने की जरूरत नहीं। कान बॉडी का स्वतः ही साफ होने वाला अंग होता है। बॉडी के अन्य भागों की तरह इसको रोजाना साफ करने की जरूरत नहीं होती। कुछ ही लोगों में इस तरह की समस्या देखी जाती है कि जिनके कान में मैल अत्यधिक मात्रा में बनता है, कुछ ठोस होता है या कान की कनाल टेढ़ी व संकरी होने से अपने आप बाहर निकलने में रुकावट रहती है, तब केवल विशेषज्ञ से ही इसे निकलवाना चाहिए। इस मामले में किसी भी तरह के घरेलू उपचार समस्या को बढ़ा सकते हैं। कान के लिए ध्यान रखें ये बातें। नंबर एक, कान को सूखा रखें, इसमें पानी ना जाने दें। नहाते समय कान में तेल या वैसलीन लगी हुई रुई लगाई जा सकती है। नंबर दो, ज़्यादातर कान के पर्दे व हड्डी के रोग लंबे समय से जुखाम रहने पर होते हैं। नाक बंद रहने या जुखाम रहने पर नाक व कान के मध्य स्थित यूस्टेकियन ट्यूब के उचित कार्य ना करने की स्थिति में कान पर प्रतिकूल असर होने लगता है। नंबर तीन, छोटे बच्चों को लिटाकर दूध ना पिलाएं। उनका सिर थोड़ा ऊंचा रखें तथा दूध पिलाने के बाद पीठ थपथपाइए। नंबर चार, चिकित्सकीय सलाह के बिना दवा ना लें, नुकसान पहुंचा सकती है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है रोजाना कान साफ करने के नुकसान। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी और भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिले। ईट हेल्दी, स्टे फिट, लिव हैप्पीली। बाय बाय।